राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रही हूँ। और मैं नंदकिशोर बेरा। आप किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। मैं किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी दोबारा, और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसको फोन मिला है बता तो दे, किसको फोन मिला भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल, कौन बैरागी, कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूँ। छोटे से ब्रेक के बाद आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे साथ? नहीं सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं, आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास एक डिग्री? और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? ये तो पढ़े लिखे है ही, ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देन है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है एक डिग्री, एक डिग्री, और गर्मी लगातार पड़ रही है इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था ये गर्मी? बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी, और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं जी, डिग्री पाते हैं। अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं डिग्री पाते हैं और बड़ा आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते हैं, बड़े आदमी बनते पैसा कमाते, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है, पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी, गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है, पड़ रही है। भाई साहब कोई सवाल नंदकिशोर जी से? हाँ नंदकिशोर जी, ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। निकाल दे मुझे नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हाँ जी बउआ जी बोल लेंगे। कौन बोल रहा? तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी असी पंजाबी है गे। तुसी कौन जी? असी बउआ है गे। कितने बोल रही थी? हाँ नहीं सॉरी, हिंदी में बोल रही है जी, इतना ही आ गया था पंजाबी। हाँ बोल 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 बोल। मैं दो दिन से घर के बाहर, भूखा पैसा, मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया, चाबी मेरे पास नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है। ओहो सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, क्या सॉरी? ओ सॉरी मतलब मौसी के आ गए अलीगढ़, आएंगे 3 दिन बाद। तेरा दिमाग खराब हो रहा तू बदल जाती का, मैं तो मर गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा तेरे को? अरे यार तू फोन कर, बकवास कर रहा है। पाजी पाजी हेलो हेलो, फोन कर फिर से, दोबारा फोन कर रहा है। एक सेकंड, मेरे घर का दरवाजा नहीं बंद हो गया, मेरे को चाबी नहीं है। उसमें सिर मार दरवाजे में, दरवाजे में सिर नहीं, मैं 3 दिन से भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगने दरवाजा खुल जाए तेरा? घर के बाहर 3 दिन से बैठा हूँ, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है वो खा लेता हूँ, दूध वाला दूध देता है कच्चा दूध पी लेता हूँ। अरे तेरे दिमाग में फर्क है क्या? 3 दिन से भीख मांग रहा है तो ताला तोड़ने वाले को नहीं लाया? नहीं, यही तो अलग स्टाइल है बेटा। अरे तेरी ऐसी की स्टाइल की भीख मांग के करने क्या तुम्हें? जैसे मैं लोगों से भीख मांगूंगा दरवाजा खुलने का चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? अगर मैं लोगों से भीख मांगूंगा तो लोग क्या दिखाएंगे? तुझे पैसे देंगे दिखाएंगे क्या? साले क्या दिखाएंगे तेरे को? तो नहीं वैसा वाले दिखाएंगे नहीं, मतलब लोग क्या देंगे? लोग या तेरे पे तरस दिखाएंगे, तरस खाएंगे, तरस खाएंगे। और क्या होता है तरस जैसे, एक और वर्ड क्या दिखाते हैं? दया के अलावा दया, वेरी गुड दया। उससे क्या हो जाएगा? दया, ये वही दया है जो दरवाजा तोड़ेगा। अरे सारे कुत्ते फोन जल्दी दया दिखाओ, दरवाजा खुलवाओ मेरी, कैसी कैसी है ये? गलत बोल रहे आप, दया दरवाजा तोड़ेगा। नहीं तोड़ेगा, दया तेरी तोड़ेगा। ऐसा क्यों तोड़ेगा वो? पागलखाने में अपना इलाज कर। दया दवा, दया दरवाजा तोड़ेगा, दया काट दिया। शहजाद भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब मियां बउआ बन के इस पे थोड़ी मस्ती लेना हुजूर।
हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकल। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया कौन, बच्चन साहब कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो। हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कह रहा था। बोलो कौन बोल रहा? मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है, बड़े लोग कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया, अभी लड़का भेजा डंडी फुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? इतना डेढ़ से तो बड़ा ही है डंडी फुड्डा। अरे चल सॉरी, एक सेकंड, बड़े लोगों के ऐसे खजूर डाटा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे। छोटा होगा तेरा बाप चाहे, तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरे एक फोन आता है, मैं आके मारूंगा तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को, फोन में घुस के मारूंगा। हेलो। हेलो, गंदा बोल रहे, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं, खजूर खजूर खजूर। कौन खजूर बेच रहा है? मैं कौन से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम इस नंबर से क्या नंबर, कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम, लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था, खजूर बेच रहा था। हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो अभी? बहुत बड़ा प्लान है, खजूर बेच रहे हैं। नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकेंड। हेलो। अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, कितना भिजवाऊं जल्दी बता। खजूर का पेड़ दे दूंगा साल, पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर ही नहीं मिलेगा, खजूर ही दिखेंगे। नहीं। हेलो। हेलो, कौन हेलो जी? बोल हेलो तो बोल भी कौन बोल रहा, बोल भी हेलो 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 करी जा रहा, बोलेगा तो बोल के कुछ फूट। सॉरी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, सॉरी आवाज ओवरलैप हो रही है, पहले मैं ही बोल लेता हूँ। नमस्ते, मैं बउआ। आप? मैं बुआ का फूफा बोल रहा हूँ। बुआ नहीं, बउआ। बस सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा था ना, कई लोगों को फोन लगा के सिर्फ कॉमन नॉलेज टेस्ट कर रहे थे हम लोग, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातचीत, क्या बात हो गई जी भाई साहब? भैया मेरे पास मेरे को किसी को कॉमन सेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बड़ी कॉमन सेंस है, कॉमन नॉलेज बहुत जरूरत है। मैं सुनिए तो, इतना उखड़े हुए हैं जिंदगी से, दो मिनट हंस लेंगे तो क्या होगा, दो मिनट भाई साहब। आप मैं एक सेकंड बोल, तू बोल पहले, तू बकले पहले। चल एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, बोल है ना। अब आप बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति? हाँ बिल्कुल करते थे। अब आपको इसी को ऐसे ही करना है, देखो एक डैश था, डैश मतलब ब्लैंक है ना? ठीक है। एक डैश था, वो अपने डैश दोस्त के साथ डैश पे चढ़ के गांव चला गया। आगे चल, आगे डैश बोल। उनमें से एक डैश का डैश होने वाला था, ये क्या डैश का एक सेकंड, लेकिन वो डैश कैंसिल हो गया। फिर उस डैश को लगा कि उसकी फिटनेस के वजह से उसका डैश कैंसिल हुआ है, ठीक है। फिर उसने सोचा जिम ज्वाइन करता हूँ, उसने जिम ज्वाइन करने के लिए जिम ओनर को डैश किया। अच्छा। लेकिन जिम ओनर ने कहा कि मैं डैश को नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी जिम में बहुत डैश ही डैश है। फिर डैश अपने डैश के साथ डैश पे चढ़ के शहर वापस आ गया। अब जो डैश मैंने बोला है उसमें एक सिंगल वर्ड है, क्या है वो? मेरा तो खुद ही डैश होके गया भाई साहब, तो कहां गलत बोल रहे हैं आप? ऐसे में फोन काटा जा सकता, मुंह पे मार दिया जाता फोन, ऐसे में कट कर फोन में घुस के पैर मारूंगा। डैश में क्या है प्लीज, अगर नहीं पता तो बताइए, मैं बताऊंगा। तू ही बता रहे, एक सॉरी एक सेकंड, डैश में है क्या? डैश है मेल, मेल या मेल? मेल बताता हूँ मैं, देखो एक मेल था, वो अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के गांव चला गया। मेल गाड़ी, मेल होती है ना एक्सप्रेस मेल, ऐसी ट्रेन है। सुनिए, क्योंकि उसमें से एक मेल का किसी से मेल होने वाला था, यानी एंगेजमेंट, लेकिन मेल कैंसिल हो गया। फिर उसको लगा कि उसका मेल जो कैंसिल हुआ है वो इसकी फिटनेस की वजह से हुआ है। फिर जिम ज्वाइन करने के लिए उसने जिम ओनर को मेल किया, फिर जिम ओनर
ओनर ने कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे मेल ही मेल है, इसलिए मैं आपको नहीं ले सकता। फिर वो मेल अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के वापस शहर आ गया। अब बताओ तेरा मेल मैं गलत बोल रहे हैं आप। कट गई आवाज। हेलो, कौन बोल रहे हैं? ये जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो टीपा आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे आपने वीडियो डाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। भाई साहब शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना था। वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए। ये क्या बात होगी भाई साहब, बाइक तो चल रही थी ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए कि नहीं? भाई है कौन बोल मैं नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहे हैं फिर? देखो सेफ राइड जरूरी है, पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है। समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान आपका है? शादी हो गई गर्लफ्रेंड? क्या है? हाँ है, होगी है। क्या हो गई है? अबे बात में तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है। प्लीज यार एक सेकंड, आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से। गंजापन गंजापन गंजा देखो गंजा दिख रहा हूँ मैं। कई फायदे हैं, गाड़ी खराब होने पर आप उसको स्टूल बनाइए, उसी पे बैठ जाइए जब तक पिंचर वाला नहीं आता। अच्छा, उसको उल्टा कर दो हेलमेट को, तो उसमें आलू टमाटर भर सकते हो आप, झोले का भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस में आप चला सकते हो उसे, पद्मावत देखने जाओ तो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर और डंडा पड़े तो बच सकते। इंश्योरेंस वाले का भी आप फायदा करते हो हेलमेट से। कैसे कैसे? अगर आप टपक गए, खत्म हो गए, उन लोग का बेचारों को पैसे देना पड़ेगा। अच्छा, तो मत मरो ना यार, क्यों उन लोग को बेचारों का पैसा खराब करोगे? नहीं वाइफ है यानी आप बताओ, शादी हो गई है ना आपकी? हाँ होगी है। सब कुशल मंगल चल रहा है यार, बढ़िया है? नहीं बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी, बता क्यों? मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊँ तुझे? प्लीज मतलब क्या कर क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई, ठीक चल रहा है जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना, होते झगड़े? हाँ होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना, तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते, जैसे आप क्या है, पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए, सुनो। फिर शादी को कितने साल हुए आपके? 3। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, सब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है वो, किसी और से शादी करेंगी? अपने किसी और से शादी? वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। तो कौन रखेगा नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे? मैं किसी और को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना है। 93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते डोंकी। हेलो हेलो, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, आई हैव सो। हेलो, हाँ जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, इंग्लिश हिंदी व्हाट एवर इज कंफर्टेबल, हिंदी में इंग्लिश में? हिंदी हिंदी। मैं कह रहा था मेरे को, मैं कई लोगों को वो स्ट्रैंग नंबर सॉरी मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, मेरे को 2-3 डाउट था। हम लोग तो अक्सर मैं ऐसे लगा लेता हूँ फोन, पर कई लोग थे जो भड़क के फोन रख दे रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। कौन है तुम बताओ तो सही, जब मैं बात करेंगे ये है ना भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बात जिंदगी की है भाई, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी की बात है बता। जिंदगी का बात ये है कि जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अरे प्यार मोहब्बत, हवा पानी खाना पीना। हाँ प्यार मोहब्बत हवा पानी खाना पीना है। इसमें से मैं हवा को आई जस्ट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड, हवा की बात करूंगा मैं। हेलो, हवा का कहा आपने, हवा की नहीं, मैं सबसे ज्यादा जरूरत मिठाई की होती है जिंदगी के लिए, पूछो कैसे? मिठाई? मैं बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट, हवा से बातें करता था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। अच्छा, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा चेतक, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो कहे खाएगा क्या? चना। अच्छा, चना रात को भिगो के सुबह खाने से ताकत आती है, ताकत है ना। सुबह सुबह तब होती है जब सूरज निकलता है, निकलता तो पेट भी है, पेट पालने के लिए इंसान को 2 रोटी कमानी पड़ती है। हाँ मेरी बात सुनो, पेट का पालने के लिए इंसान को रोटी कमानी पड़ती है, रोटी कमाने के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए बता। नौकरी मिलते ही आदमी खुश हो जाता है, खुश हो जाता है, खुश होते ही मिठाई बांटता है। लंबा लेक्चर देने के लिए नहीं मिला। तो जिंदगी के लिए क्या जरूरी, मिठाई नहीं? अरे सुन मेरे पास मारना पड़ता है, आप तुझे पूरी हिस्ट्री घाटे रख दिया जी, मिठाई तो बोल रहे, आप मान ही नहीं रहे मिठाई से बात, चट गलत बात नहीं कर मेरे में, फोन में जैसे होता है चट।
वाले थे, बात कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, बहुआ बोल इतना चीची बोल रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो कौन बोल रहे हैं जी आप? मैं जानता हूँ मेरी आवाज और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात जरूरी हो जाती है ना तो जरूरी हो जाती है। बोलो जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल, तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके, रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ जरूरी चीजें हैं ना वो जरूरी हैं। क्या जरूरी है? मैं जान रहा कि अगर किसी लड़की के को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है, वरना आदमी ना सुनो अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता, नहीं नहीं मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? टेक्निकली अलग है मेरी बात, गलत नहीं, मौसम विभाग से पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे। एक मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूं मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खाली खाली नहीं अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है, ओके, चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही, मैं बता रहा हूँ। अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं कभी बनाई नहीं। नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ, तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को, इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए, मम्मी से कहिए मम्मी दाल, मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट बताए कितना पानी कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल, और मम्मी जो जूता मारेगी वो बस रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते ना डंडे से क्या गिरती है। तू आके मिल पुलिस को, गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान, इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? तो बता दो कैसे जाए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे हो, लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। हेलो हेलो, कौन? नमस्ते, कौन बोल रहा है? भैया जी मैं बहुआ बोल रहा था। बोल बोल क्या है? क्या क्या? अरे बता, जल्दी ना कर, काम में फंसा हूं, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे है ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं, बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता धोबी का। अच्छा, कुत्ता न घर का न घाट। नहीं आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं? नहीं अबे मुझे पता क्या मतलब सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। बात कर रहा तू, घोड़े के आगे बीन बजाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, घोड़े के एक ही बात है। एक सेकेंड, घोड़े के मुँह में जीरा, जीरा किसके मुँह में होता है? ऊंट के मुंह में। हाँ तो जब ऊंट खा सकते हैं तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता? अरे तो कहावत है ना। हाँ तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा टाइम झूठ झूठ बोले घोड़ा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं है घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? जब ऊंट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता? अरे कर सकता सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा? हाँ, तो क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े ने तो उसका एक आखिरी हाँ बता,
घोड़े के सर से सींग गायब हो गई। गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। गलत बोला, रख दिया, एक आध दो बच गए शायद। आ घोड़े मुझे मार, जब बैल मार सकते तो घोड़ा नहीं। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? हाँ बड़े हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम, बताओ आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसा जाबड़ मारूंगा। कौन बोल रहे? मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड, औकात में इसलिए सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पॉल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा, और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है पहले तो? आपसे एक मिनट भाई, तू मुझे बता क्यों रहा है? एक सेकंड में बता दो, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे कैसे कैसे? अगर हम जीत जाते तो लोग कहते हैं यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते हैं अरे तू 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 तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए, इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है, इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े। वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन? कौन एनवायरमेंटलिस्ट? वेंटलिस्ट कौन? कौन? तू भी नहीं बोल पा। एनवायर्ड, एनवायर मेंट, मेंट लिस्ट। अच्छा बोल, एनवायर्ड, एनवायर मेंट लिस्ट नहीं, मेंट लिस्ट, मेंट लिस्ट, मेंट लिस्ट भाई साहब। वही मेंट लिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा पैकेट। तो समझे, इसलिए पटाखे न चलाने की वजह से पोल्यूशन कम है। और इसलिए मैं सुन, मेरी अब एक मिनट मेरी बात सुन ले, एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला नहीं, फोड़ फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा भाग जाओ यहाँ से, फोन रख दे, चल चाहे फोन रख दे, वरना कौन आएगा? कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट। बोल रहे आप ची 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एनवायरमेंटलिस्ट। हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, एक मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठा रहा तो। सॉरी, गर्मी बढ़ रही है ना तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी? वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो उसको वैसे क्यों है? नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था, सॉरी कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ? बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था, लेट मी एक्सप्लेन। एक मिनट में, वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो जल्दी बकवास करो, उसी पत्थर पर इस इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पर टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रखो। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो, और बउए को, सॉरी, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAU AA बउआ लिख कर भेजेंगे, हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 97353 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप है ना? हाँ जी।
साइडी वाले हाँ उसने है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें तुम्हारे बड़े भाई हैं। हाँ वही 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 तो उनसे बात हुई थी तो आपका नंबर तो विजिबल था ही तो हमने सोचा क्योंकि तीन चार दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना तो सब कोई लगा रहा है तुमने लगाया कि नहीं लगाया हमने भी लगा लिया है हमने कई लोगों को बताया भी है अच्छा अच्छा देखते होगे तुम हाँ देखते हैं उसमें तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे बट मैं दो तीन चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब ये सही कर सकते ना अभी बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है वो एक तो हरा होता है हाँ और एक सफेद होता है हरी और एक ऑरेंज कलर का होता है ऑरेंज हाँ ऑरेंज पर केसरिया सुना था हमने ऑरेंज मतलब सही है सही और बीच में वो गोल सा होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको हाँ वो चक्कर 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 हाँ चक्कर हाँ बीच में कितनी तिलियां होती हैं उसमें चक्कर में जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको 20 या 19 हाँ ठीक है करिए अगली बार करिएगा काउंट है ना शायद कंफर्म नहीं है पर इतना ही है 19-20 आप देख के बता देता हूँ मैं देख के बता नहीं आप आराम से देखिएगा अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए नए बने हुए हैं वही फहराएंगे वो फहराएंगे राष्ट्रपति फहराएंगे तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब अरे जानकारी थोड़ा सा है अब ये है कि नहीं कार तो अच्छा काम रहे हैं पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं वो क्या है हमारे लिए उसका मायने क्या है बात तो सही कह रहे हैं भैया आप और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना हाँ बाइज्जत उठाए हाँ और क्या तो करना है वो भी जानकारी रखे हाँ नहीं मान गए हाँ जी भैया बिल्कुल सही डीपी लगाएंगे हम बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे सॉरी भैया नहीं नहीं सॉरी नहीं सॉरी नहीं जानकारी रखनी है लोगों को रखवानी है इज्जत करनी है रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का है ना नहीं नहीं जय हिंद भैया बस 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 जय हिंद जय हिंद भैया जय हिंद हेलो नमस्कार भाई साहब नमस्कार मैं इस वक्त एक मंच पे खड़ा हूँ पर्दा हटने ही वाला है अच्छा मेरे सामने एक माइक होगा अच्छा सामने जनता होगी अबे तू बोल कौन रहा है मैं बउआ बोल रहा हूँ मुझे एक सम्मान मिला है कैसा सम्मान एक सेकंड रुकी पर्दा हट गया शुक्रिया एवरीवन फॉर क्लैपिंग प्लीज तालियां जात शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई भाई ताली बंद कराना ओए कर रहा हूँ मुझे सम्मान मिला है अवार्ड मिला है भी कोई सम्मान दे एक सेकंड रुकिए ना प्लीज भाई साहब मेरे को इनके सामने दो शब्द बोलना है मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है मदद कर दो मेरी मैं दो तीन लाइन लिख के आया हूँ आप बस उसमें थोड़ा सा जल्दी हाँ नमस्कार शुक्रिया तो वो बजा रहे ना मेरी अदाओं पर बोलना चुप करके बैठे चुप हो गए यार आपकी आवाज में तो तेल में जादू सॉरी आपकी बोल में जादू है वाह मेरे तो बताने किस किस में जादू है एक मैं इनसे भाषण आप सबका मैं मन से दिल से तन से और क्या से? क्या बात तुरंत तालियां बजने लगी नहीं दिमाग से स्वागत पहले इन तालियां बंद करा तालियां बस इन सब से शुक्रिया अदा करता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों को देकर नहीं खुश बनाकर नहीं सॉरी आज मुझे जो हासिल हुआ है भाई साहब प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा मत बोलिए मेरी हंसी छूट रही है माइक पे आप लोगों ने मुझे ग से क्या गा से नहीं ग से जो गाइडेंस दिया है पर से प्यार दिया है उसका मैं शुक्रिया तालियां बंद करिए प्लीज इसके अलावा मेरे माँ बाप को भी आज हेलो तेरे माँ बाप को शर्म आ रही होगी आज के तू पैदा हुआ वो प्लीज आप गलत बोल रहे हैं बस करिए मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इतना लंबा हो इतना लंबा कितना लंबा जितना लंबा अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन का क्या करियर करियर है आप गलत आदमी सोच बदलो हिंदुस्तान बदलेगा गलत बोल रहे इसलिए मैं जाते आते आप लोगों को कहना चाहता हूँ आप सबकी
अरे चुप क्यों हो गए, बजाओ। अरे चुप कर, बजाओ। बस समझ नहीं आ रहा भाई साहब, बजाओ।